हाय गाइस माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो अगर आपने मेरा डेटा साइंस रोड मैप देखा होगा तो शायद आपको याद होगा वहाँ पे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 2024 में मैं मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ बट उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम एल ऑप्स एम एल ऑप्स मैं क्यों फ़ोकस करना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे दिख रहा है कि पिछले दो तीन सालों में इंडस्ट्री में एम का जो इम्पोर्टेंस है वो एक्सपोनशली ग्रो किया है आज की डेट में अगर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर कभी किसी जॉब पे अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में एम ऑप्स का रिक्वायरमेंट ज़रूर दिखाई देगा एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये फील्ड थोड़ा नया है जिसकी वजह से आज की डेट में ऑनलाइन जो भी कॉन्टेंट आपको मिलेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल कम है और दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कंज्यूम है तो मेरा ये टारगेट है कि मैं अगले कुछ दिनों में इस चैनल के ऊपर एम से रिलेटेड इस तरीके का कॉन्टेंट बनाऊँ जो एम को एज अ फील्ड आपके लिए थोड़ा एक्सेसिबल बनाए सिंप्लीफाई करे तो दिस इज़ माई गोल एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पर मैं एम से रिलेटेड कॉन्टेंट स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा गोल यही रहेगा कि एम क्या होता है एम के पीछे क्या क्या फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या क्या टूल्स हैं इन सबको मैं एक सिंगल प्ले में कवर करना चाहूँगा और इवेंचुअली इसी प्लेस्ट में आई विल ट्राई टू बिल्ड सर्टिन प्रोजेक्ट्स जो एंड टू एंड एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे एम के प्रिंसिपल्स कैसे लगाए जाते हैं ये दिखाएंगे तो दिस इज़ द गोल आज का जो वीडियो है वो uh, बहुत सिंपल है जस्ट uh, आपके सामने मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि एम एज़ अ फील्ड इसकी क्या रिक्वायरमेंट है क्यों ज़रूरी है

इंडस्ट्रीज uh, में डेटा साइंटिस्ट भी कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज की डेट में हमारी लाइफ में सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर चैट जी या मिड जर्नी जैसी मैजिकल टेक्नोलॉजीज हैं uh, और कोई भी डोमेन मुझे नहीं लगता आज की डेट में अनटच्ड है मशीन लर्निंग से इफ़ यू टॉक अबाउट हेल्थ केयर तो वहाँ पर डिजीज डिटेक्शन से लेकर के मेडिकल रिसर्च तक एवरी वन इज़ यूजिंग मशीन लर्निंग इफ यू टॉक अबाउट फिनेंस मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी ऐसी होगी जो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आज की डेट में मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज नहीं करती होगी इफ यू टॉक अबाउट कंज्यूमर इंटरनेट आज की डेट में सारी बड़ी टेक कंपनीज uh, वो अपने यूजर्स को थोड़ा और डीपर लेवल पे समझने के लिए मशीन लर्निंग यूज कर रही है सो या इट्स एवरीवेयर एंड इट्स सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑलरेडी बट देर इज वन बिग प्रॉब्लम वॉट इफ आई टेल यू की आउट ऑफ हंड्रेड मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट आर बिल्ट

only 30% models are actually deployed into production. वो एक प्रोडक्ट का पार्ट बन पाते हैं ऐसा सिर्फ थर्टी times होता है And this is something which needs our attention. क्यों हो रहा है ऐसा क्या रीजन है ये हमें पहले समझना पड़ेगा Because ML ops पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ML ops पढ़ने की जरूरत क्यों है और इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली ये बताने वाला हूँ कि मशीन लर्निंग सिस्टम्स में ऐसा क्या होता है कि उनका सक्सेस रेट बहुत ही कम है और ये डिस्कशन थोड़ा आसान हो इसलिए मैं इस पूरी चीज़ को कंपेयर करूंगा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ ये कंपैरिजन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ उसके दो रीजन हैं पहला मशीन लर्निंग सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है मतलब एकदम बट कजन तो आप जरूर बोल सकते हो सॉफ्टवेयर मतलब, बीस चल रहा है पचास से ज्यादा साल हो चुके हैं और लोगों ने अब फिगर आउट कर लिया है कि एक सॉफ्टवेयर को बना करके डिप्लॉय करके चलाया कैसे जाता है ये अब बहुत ही मेच्योर टेक्नोलॉजी बन चुका है तो हम साइड बाय साइड सॉफ्टवेयर सिस्टम और मशीन लर्निंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मशीन लर्निंग सिस्टम का जो इंजीनियरिंग साइड है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हैंडल करना इन कंपैरिजन टू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि जो टेक्नोलॉजीज़ हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने में यूज़ करते हैं एज इट इज़ वो सेम टेक्नोलॉजीज हम मशीन लर्निंग में क्यों नहीं यूज़ कर सकते दिस इज द होल आइडिया दिस इज द होल देना चाहता हूँ कि आप एम एलॉप पढ़ रहे हो और ये वीडियो आपके लिए यही काम करेगा सो so सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग सिस्टम्स के बीच का डिफरेंस समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे बिकॉज एग्जाम्पल लेके अगर आप समझते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो लेट्स की हम हम एक स्टार्टअप में काम करते हैं जो बेसिकली uh, एक वेबसाइट है और ये लोग ना क्या करते हैं दे आर बेसिकली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इनकी खासियत क्या है कि ये लोग पुरानी फिल्में uh, इनके प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी आप कितनी भी पुरानी फिल्में खोजने जाओगे किसी भी लैंग्वेज का आपको इनके प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा इनको एक नाम दे देते हैं लेट्स इनका नाम है रेट्रो मूवीज ठीक है समथिंग लाइक दैट अब ये स्टार्टअप शुरू हुआ इन लोगों ने फंडिंग रेज की तो इन लोगों ने अपनी फंडिंग से क्या किया सबसे पहले टेन थाउजेंड पुरानी मूवीज का राइट्स ले लिया सो so दैट ये इन मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करवा पाए तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो प्रोडक्ट डिसीजन होगा वो ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट होम पेज पे क्या दिखाना चाहते हो तो इनके प्रोडक्ट मैनेजर्स ने बोला कि हम लोग यहाँ पर न्यू अराइवल्स दिखाएंगे न्यू अराइवल्स का मतलब कौन कौन सी नई मूवीज अभी हमारे कैटलॉग में ऐड हुई हैं तो यहाँ पर जो भी नई फिल्में ऐड हो रही है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद दे रियलाइज कि जो ये फिल्में आ रही हैं इनमें से कुछ फिल्में उतनी खास नहीं है तो इनको रिकमेंड करने से क्या हो रहा है कि यूजर्स का जो इंगेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है तो किसी ने सजेस्ट किया कि रिकमेंड करना चाहिए तो सभी इस पर अग्री किए तो उन्होंने बोला फिर एक सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म की टॉप मूवीज दिखाएंगे सही बात है

किसी भी मूवी के पेज पे यहाँ पर एक वोट बटन डाल दो जहां पे यूजर उसको एक से लेके टेन के बीच में रेट कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली जब आपको खूब सारी रेटिंग्स मिल जाएंगी तो आप उनका एवरेज रेटिंग निकाल सकते हो लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर मूवी का एवरेज रेटिंग इज एट पॉइंट नाइन एंड दिस इज द हाइएस्ट इन योर डेटाबेस तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा सेकेंड हाइएस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा थर्ड हाइएस्ट यहाँ पे एंड सो ऑन तो भाई के फैंस तो क्रेजी है टेन के नीचे का रेटिंग देंगे ही नहीं तो क्या होगा कि वो मूवी में सारी रेटिंग्स टेन की आ गई एवरेज रेटिंग टेन हो गया एटलीस्ट शुरू वाले जो रेटिंग्स आई वो सारे टेन की हैं तो तो ये बाई डिफॉल्ट बेस्ट मूवी बन जाएगा आपके प्लेटफॉर्म का बट मोस्टली यू नो भाई की मूवीज कैसी होती है इट शुड नॉट बी एट द टॉप तो किसी ने ये क्वेश्चन उठाया तो इसका भी सोल्यूशन है आप एक अप्रोच ये ले सकते हो कि आप एक वेटेड रेटिंग कैलकुलेट करो हर मूवी का सो वेटेड रेटिंग के मल्टीपल फॉर्मूले हो सकते हैं अपना अपना अप्रोच है एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो v डिवाइडेड बाय v प्लस m मल्टीप्लाइड बाय r प्लस m डिवाइडेड बाय v प्लस m मल्टीप्लाइड बाय c यहां ये सारी चीजें क्या मैं आपको बता देता हूं v है नंबर ऑफ वोट्स बेसिकली उस मूवी को कितने लोगों ने रेट किया वोट किया ठीक है m क्या है m है आपका थ्रेशोल्ड वोट्स बेसिकली आप एक नंबर डिसाइड पच्चीस हजार आप ये बोल रहे हो कि जब तक किसी पर्टिकुलर मूवी पे पच्चीस हजार नहीं आएंगे तब तक हम उसको टॉप वाले में कंसिडर ही नहीं करेंगे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टॉप मूवी बनने का पच्चीस हजार वोट्स तो होने ही चाहिए फिर ये आर क्या है आर है एवरेज रेटिंग सो मान लो भाई की एक मूवी आई उसमें पच्चीस हजार लोगों ने वोट किया पहले दस हजार लोगों ने दस 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 मारा बट आगे के पंद्रह हजार वाले लोग सलीके से वोटिंग किए तो एवरेज रेटिंग आया सेवन पॉइंट टू तो ये वो रेटिंग है आर और सी क्या है सी है एवरेज रेटिंग ऑफ ऑल द मूवीज ऑल द मूवीज इन योर डी जितनी भी मूवीज है आपके पास दस हजार मूवीज हैं इन सबका एवरेज रेटिंग क्या है ठीक है तो हो सकता है दिस बी समवेयर अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव बिकॉज बहुत सारी अच्छी मूवीज है बट बहुत सारी घटिया मूवीज हैं तो अब आपको इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है मुझसे मैंने ऑन द गो ये फॉर्मूला नहीं बनाया ये मैंने आई से उठाया है आई यही फार्मूला यूज करता है अगर इफ यू आर क्यूरियस मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ये फॉर्मूला क्या करता है अगर आपके वोट्स ज्यादा है मतलब जिस मूवी की आप बात कर रहे हो उस मूवी पे वोट्स बहुत ज्यादा पड़े दस लाख बीस लाख पच्चीस लाख वोट्स पड़े तो उस मूवी का खुद का रेटिंग ज्यादा कंसिडर होगा बट अगर वोट्स कम पड़े हैं उस मूवी पे तो ओवरऑल जो डेटाबेस में एवरेज रेटिंग है उसके हिसाब से डिसाइड होगा तो इससे फायदा क्या होगा कि सलमान खान की कोई नई मूवी आती है उसमें भी कम वोट्स अगर पड़े हैं बट बहुत ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा आप डेटा से डिसाइड करोगे कि वॉट वुड बी द वेटेड रेटिंग ऑफ सलमान की ये वाली मूवी ठीक है तो ये जस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए तो इस पे सभी लोग अग्री कर रहे सभी ने बोला हाँ यार ये अच्छा आइडिया लग रहा है कि हम लोग हर मूवी के लिए एक वेटेड रेटिंग कैलकुलेट करेंगे और फिर वेटेड रेटिंग को हम लोग सॉर्ट कर देंगे इन मूवीज को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे ठीक है सीम्स लाइक अ गुड आइडिया अब अगर हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात करें कि ये पूरी चीज बनेगी कैसे तो वो मैं आपको एक बार थोड़ा इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ आपके पास सबसे पहले तो एक डेटाबेस होगा जहां पे आप अपनी 10000 मूवीज को सेव करके रखोगे सो so यहाँ पे आपके पास टेबल्स होंगे लाइक मूवीज उसमें मूवीज का सारा मेटा डेटा होगा मूवी का आईडी होगा रिलीज ईयर होगा जॉनर होगा एक्टर होगा ये सारा डेटा आपके पास होगा साथ ही साथ एक कॉलम होगा वेटेड रेटिंग का एवरेज रेटिंग का ये सब कुछ होगा ये डेटाबेस कनेक्टेड होगा एक बैकएंड से जो लोग थोड़ा वेब डेवलपमेंट जानते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा एक फ्रंटएंड से ठीक है सो so, इस फ्रंटएंड पे हमारी वेबसाइट लोड होगी वो फ्रंटएंड तुरंत रिक्वेस्ट करेगी बैकएंड से कि भाई हमें टॉप फिफ्टी मूवीज निकाल के दिखाओ और हम यहां पर एक और पीस ऑफ कोड लिखेंगे जो हमारे केस में हमारा मॉडल है बिकॉज यही वो रिकमेंडर सिस्टम है जो टॉप फिफ्टी मूवीज रिकमेंड कर रहा है और ये रिकमेंडर सिस्टम बेस में घुसेगा सारी मूवीज के लिए वेटेड रेटिंग कैलकुलेट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेगा टॉप फिफ्टी मूवीज निकालेगा और इस फाइल को दे देगा ये फाइल क्या करेगी बाकी का सारा डेटा लेगी और फ्रंट एंड को देगी फ्रंट एंड जाकर के यूजर को दिखा देगा ठीक है, रफली ऐसा ही काम होगा सो दिस इज लाइक लेवल ओवरव्यू ऑफ दिस सिस्टम करनी है वो ये है कि सिस्टम बिकॉज यहां पर कहीं भी लर्निंग हो ही नहीं रही है आप क्या कर रहे हो एक फॉर्मूला के बेसिस पे यू आर कैलकुलेटेड द वेटेड रेटिंग और उस वेटेड रेटिंग के बेसिस पे आप टॉप फिफ्टी फिफ्टी मूवीज रिकमेंड करके दे रहे हो तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आप बना रहे हो मैंने तो बहुत सिस्टमिफाई करके आपको ये फ्लो डायग्राम बताया बट बत इस सिस्टम में कहीं भी मशीन लर्निंग नहीं है दिस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम तो एक बार थोड़ा शांति से बैठते हैं और सोचते हैं कि इस सिस्टम में क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें और फिर हम आगे चल के एक मशीन लर्निंग सिस्टम बनाएंगे और उसको हम इस सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो हम लोग तीन चार एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे आ, यहाँ पर मैंने ये सारे एस्पेक्ट्स लिख लिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सिस्टम सो अगर आप इस सिस्टम, इस सिस्टम को देखोगे ना तो इसमें एक्चुअली दो कंपोनेंट्स हैं सो वन इज योर डेटाबेस जो खुद में बहुत ही सॉर्टेड कंपोनेंट है ऑनेस्टली डेटाबेस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत मेच्योर कर गया है और बहुत रोबस्ट होता है अगर आप एक बार इसको सही से सेटअप कर दो तो यहाँ पर एक्चुअली ज्यादा गड़बड़ होने का चांस है नहीं जहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये सिस्टम है सो दिस पार्ट इज अ कोड दिस इज ऑल्सो कोड एंड दिस इज ऑल्सो कोड तो बेसिकली आप इस पूरे पार्ट को एक कोड ब्लॉक मान सकते हो तो एसेंशियली ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया टॉप uh, मूवीज को रिकमेंड करने का इसमें जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ कोड की वजह से आती है अब कोड आप जितना अच्छे से मैनेज कर लो जितने अच्छे से आप बनाओ उतना ये सिस्टम इजी रहेगा सिंपल रहेगा ठीक है अगर आप बात करो एरर डिबगिंग की तो एरर डिबगिंग भी आसान है वाई बिकॉज आपको पता है कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपकी वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है तो जो भी एरर होगा वो मोस्ट लाइकली आपके कोड वाले ब्लॉक में होगा तो इज़ इजी इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ डज दिस सिस्टम हैंडल न्यू डेटा लेट्स से कल को मेरे एडमिन ने पचास नई मूवीज ऐड कर दी हमारे डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे ही अगली बार यूजर वेबसाइट को लोड करेगा जो हमारा फ्रंट एंड है वो बैक एंड से बोलेगा हमें टॉप फिफ्टी मूवीज निकाल के दिखाओ बैक एंड इस मॉडल को बोलेगा मॉडल डेटा में घुसेगा फिर से जितनी भी मूवीज है दस हजार पचास मूवीज कैलकुलेट करेगा वेटेड रेटिंग को सॉर्ट करेगा पलट करके बैक एंड को देगा बैक एंड वो डेटा फ्रंट एंड को देगा फ्रंट एंड वो डेटा यूजर को देगा सो इन अ वे आप यहाँ पे पचास नई मूवीज ऐड करो हजार नई मूवीज ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिस्टम जो है ये उन सारी मूवीज के ऊपर टॉप मूवीज निकालने में केपेबल है तो नया डेटा आसानी से हैंडल हो रहा है एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो आ, सिस्टम है ये डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर अगर आप एक इनपुट डालते हो तो जो आउटपुट आपको मिलता है वो हमेशा सेम मिलता है आगे भी जब आप ये काम रिपीट करते हो सो लेट्स से आपने आज थर्टीएथ दिसंबर को कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट जो मिला प्रोबेबली एक साल बाद 2024 हजार चौबीस दिसंबर को भी जब आप सेम इनपुट डालोगे सेम आउटपुट मिलेगा इट्स डिटरमिनिस्टिक सेम इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा सेम रहेगा तो इससे ये फायदा है कि कल को गवर्नेंस बहुत आसान हो जाता है कल को कोई आकर के मुझसे पूछ ले मेरा यूजर मुझे क्वेश्चन कर दे कि आपने मुझे ये मूवी क्यों रिकमेंड की तो आप एक्चुअली जाके उसको बता सकते हो कि देखो भाई हमारी गलती नहीं है हम एक वेटेड रेटिंग का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस वेटेड रेटिंग में हम ये सारे कंपोनेंट्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से जो रेटिंग आ रही है वही हम आपको दिखा रहे हैं तो इट इज एसेंशियली अ वाइट बॉक्स मॉडल जहां पे आपको पता है कि अगर कोई मूवी रिकमेंड हो रही है तो क्यों हो रही है उसका आंसर आपके पास है इट इज डिटर्मिनिस्टिक तो इससे क्या होता है आगे आप लफड़े में नहीं पड़ोगे लास्टली दिस सिस्टम हैज जीरो ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि आपने ये जो मॉडल बनाया ये आ, दिमाग लगा के कि वेटेड रेटिंग कैलकुलेट करके हम टॉप फिफ्टी मूवीज निकाल के दिखाएंगे हमारे यूजर्स को एक बार ये सिस्टम बन गया ना तो ये सिस्टम सही से फॉर काम कर सकता है ये जो लॉजिक है ये फॉर गिवन सेट ऑफ मूवीज में से टॉप मूवीज निकाल के आपको दे पाएगा कभी भी इस सिस्टम में कोई ड्रिफ्ट नहीं आएगा कल को ऐसा नहीं होगा कि सडनली से सिस्टम फेल कर रहा है Uh, कल निकाल रहा था टॉप मूवीज आज नहीं निकाल पा रहा ऐसा कभी भी नहीं होगा दिस सिस्टम हैज जीरो ड्रिफ्ट तो यू कैन सी बिकॉज ऑफ द सिंपलिस्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम ये सिस्टम वेल मैनेज है और फॉर बहुत कम इनपुट के भी काम करता चला जाएगा बट अब मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट इफ हम इस सिस्टम में एमएल इंट्रोड्यूस करें तो किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो गई इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सो so, हमारी ये जो वेबसाइट है ये अब थोड़ी पुरानी हो गई एक डेढ़ साल हो गया इसको रन करते करते और अब हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो हमारा यूज़र इंगेजमेंट है वो फिर से थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है तो थोड़ा यूज़र से फीडबैक लेने पे ये पता चला कि जो हमारे पुराने यूज़र्स हैं उन लोगों ने अब ये सारी की सारी टॉप मूवीज देख ली पिछले एक डेढ़ सालों में तो अब जब वो इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उनको कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है एंड दे आर टू लेजी टू सर्च तो इसलिए वो तुरंत इस वेबसाइट को छोड़ के चले जा रहे हैं तो यूजर इंगेजमेंट नीचे हो जा रहा है तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट टीम को समझ में आ गया कि अब सिर्फ टॉप मूवीज रिकमेंड करने से काम नहीं चलेगा मे बी जो नया यूजर आ रहा है उसको हम फिर भी टॉप मूवीज दिखा सकते हैं बट जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए अब ये उतना फायदेमंद नहीं है तो थोड़ा ब्रेन करने पर एक आइडिया निकल के आया कि वॉट इफ हम पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दें सो लेट्स से आई एम अ यूजर मैं वेबसाइट जैसी ओपन करूं तो मुझे मेरे अभी तक के टेस्ट के बेसिस पे मूवीज रिकमेंड हो बट द क्वेश्चन इज ये कैसे होगा तो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग की होगी उनको पता होगा कि बहुत सिंपल है यू कैन इंप्लीमेंट अ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम कैसे काम करता है ये सो so, बहुत सिंपल फंड है कि आप अपने हर यूजर का एक प्रोफाइल बनाते हो उसको थोड़ा और डीपर लेवल पे समझते हो सो so, मान लो एक यूजर है ए और एक और यूजर है बी अब हमारा सिस्टम ने क्या नोटिस किया कि यूजर ए ने मूवी वन को टेन रेट किया और यूजर बी ने मूवी वन को नाइन रेट किया यूजर ए ने मूवी टू को थ्री रेट किया और यूजर बी ने मूवी टू को टू रेट किया तो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड कि इन दोनों यूजर्स का जो टेस्ट है वो बहुत सिमिलर है इसका मतलब यह हुआ कि कल को अगर एक मूवी है M3, जो यूजर B ने देख रखी है तो मैं ये मूवी यूजर ए को रिकमेंड कर सकता हूं पर दिस हाँ दिस रिकमेंडर सिस्टम तो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स ने बोला हाँ यार ये सही लग रहा है और हम क्या कर सकते हैं हम ये सिस्टम अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम जब आप बनाने जाओगे तो आपका सिस्टम कैसा दिखाई देगा ठीक है तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके पास होगा आपका डेटाबेस इसके बिना तो काम चलेगा नहीं दिस इज द प्लेस जहां पे आपका मूवीज रिलेटेड मेटा डेटा है आपका यूज़र से रिलेटेड डेटा है इससे कनेक्टेड है फिर से आपका बैकएंड बैकएंड बेसिकली एक फाइल या सेट ऑफ फाइल्स हो सकती हैं कुड 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 बी 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 इन एनी लैंग्वेज इट इट पाइथन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जावा भी चलता है और ये कनेक्टेड होता है फ्रंट एंड से ठीक है बैक एंड में बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक like पूरा वेबसाइट चलाने का पूरा का पूरा भार बैक एंड के ऊपर होता है यूजर ऑथेंटिकेशन लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कंटेंट मैनेजमेंट डेटाबेस से किस तरीके से कंटेंट ला आप डिस्प्ले करवाओगे और पचास तरह की चीजें जो भी हैं वो वेबसाइट का लॉजिक यहीं पे लिखा हुआ है फ्रंट एंड पे सारा का सारा भार है यूजर को वेबसाइट दिखाने का सो यहाँ पर आप एच टी एम एल सी एस एस और जी एस में कोड लिखते हो और यही हमारे यूजर को दिखाई देता है तो ये आर्किटेक्चर अभी भी सेम है एक डिफरेंस क्या आ जाएगा कि आप थोड़े से ज्यादा डेटा कॉन्शियस हो जाओगे मतलब फ्रंट एंड पे यूजर जो भी डेटा जनरेट कर रहा है यूजर बहुत सारा डेटा जनरेट कर सकता है लाइक like वो कौन सी मूवीज़ को लाइक like कर रहा है कौन सी मूवीज़ को डिसलाइक कर रहा है कौन सी मूवीज़ को शेयर कर रहा है uh, किसी मूवी के पेज पे वो कितना रुका हुआ है कितने टाइम तक रुका हुआ है कितना स्क्रोल कर रहा है uh, ये सारे एक्शन अब आप क्या करोगे आप किसी तरीके से भी बैक एंड पे भेजोगे और बैकेंड इसको डेटा में स्टोर करेगा बिकॉज नाउ सिंस यू आर गोइंग टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग सिस्टम यू नीड मोर एंड मोर डेटा जितना ज्यादा डेटा होगा उतना एक्यूरेट आपका रिकमेंडर सिस्टम बनेगा तो एक डिफरेंस शायद आप ऑलरेडी नोटिस कर रहे हो कि वी आर एक्चुअली बीइंग मोर डेटा कॉन्शियस जिसकी वजह से वी आर कलेक्टिंग मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर अब आगे बढ़ते हैं अब आगे एक चीज क्या होगी कि आपको एक नया कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा और इस कंपोनेंट को बोला जाता है डेटा वेयर हाउस सो डेटा वेयर हाउस एसेंशियली एक डेटाबेस ही होता है बट थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल डेटा से फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा वेयर हाउस की जरूरत क्यों है क्योंकि आपका जो डेटा बेस है आप इसके अंदर रखे हुए डेटा के ऊपर मॉडल बिल्डिंग नहीं करोगे बिकॉज वो ऑलरेडी एक रनिंग डेटा बेस है उसके ऊपर पूरी वेबसाइट को चलाने का लोड है उसमें आप कहाँ घुस करके फिर अपना मॉडल बिल्डिंग भी करोगे तो जनरली क्या किया जाता है आप वहां से डेटा को निकालते हो डेटा से और उसको एक डेटा वेयर हाउस में लोड करते हो और डेटा वेयर हाउस के ऊपर हमारी जो डेटा साइंस टीम है वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मॉडल बिल्डिंग करती है तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है कि भाई वेबसाइट चलाने के लिए डेटा है और रिकमेंडे सिस्टम बिल्ड और ट्रेन करने के लिए डेटा वेयर हाउस है और भी हो सकता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पीस ऑफ डेटा चाहिए था जैसे कि आई के ए से आपको कुछ डेटा चाहिए था तो वो भी आप मांग लोगे ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप यहां पर एक ETL इन बनाओगे ETL टी क्या होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड बहुत फेमस टर्म है शायद आपने सुना होगा सो बेसिकली जब भी आप डेटा बेस या मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ला डेटा वेयर हाउस में डालते हो तो यू परफॉर्म दिस ईटीएल फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज देन यू ट्रांसफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड देन यू लोड इट इनटू द डेटा वेयर हाउस तो ये पूरा फ्लो हो गया वंस ये डेटा लोड हो जाता है हमारे डेटा वेयर हाउस में अब क्या होगा यहाँ से हमारी जो एनालिटिक्स टीम है डेटा एनालिस्ट हुए डेटा साइंटिस्ट हुए वो लोग अपना काम शुरू कर देंगे ठीक है उनका काम क्या है उनका काम है ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाना कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाने में कुछ स्टेप्स कॉमन होते हैं जैसे सबसे पहले आप जो डेटा आपको मिलता है आप उसको प्री प्रोसेस करोगे फिर वहाँ से आपके जो सबसे यूजफुल फीचर्स हैं उनको आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसके बाद आप एक्चुअल मॉडल को बिल्ड करोगे एंड लास्टली आप उसको इवेल्युएट करोगे राइट एंड वंस यू हैव डन दिस एंटायर पाइपलाइन ये सारा काम जैसे आप कर चुके हो फिर आप अपने मॉडल को सर्व करोगे तो बेसिकली आप यहां से अपने मॉडल को सर्व कर रहे हो मॉडल जो आपको यूजर के बेसिस पे रिकमेंडेशन देगा और अब आपका बैकएड क्या करेगा इस मॉडल को क्वेरी करेगा और यह मॉडल आपको मूवीज का नाम बताएगा बैकएंड उन्हीं मूवीज को फ्रंट एंड को दिखाएगा फ्रंट एंड उन्ही मूवीज को यूजर को दिखाएगा तो दिस इज द आर्किटेक्चर नाउ सो सबसे पहले तो आप अगर एक बार वीडियो पॉज करके भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्लियरली इसके पहले जो हम आर्किटेक्चर यूज कर रहे थे सिस्टम यूज कर रहे थे उससे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ज्यादा मूविंग पार्ट्स आ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा ठहर करके इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या पीसेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एड हुई है और जो पांच पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए थे हम उन्हीं को रिविजिट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बदल गया सो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की देख के भी समझ में आ रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे सिस्टम का वो एक बढ़ गया सो so, यहां पर एक्चुअली अब तीन डिफरेंट टीम्स साथ में काम कर रही है uh, ये जो पार्ट था ये पहले भी था और ये अभी भी है और यहां पर हमारा कोड फंक्शन कर रहा है दिस इज द कोड पार्ट जिसको हमारे डेवलपर्स हैंडल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ठीक है उसके बाद ये जो पार्ट है जो थोड़ा सा अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इस पार्ट को आप एक्चुअली डेटा पार्ट बुला सकते हो दिस इज द डेटा पार्ट यहाँ पे हमारे डेटा इंजीनियर्स काम करेंगे ठीक है और ये जो पार्ट है ये हमारा मॉडल पार्ट है और यहाँ पे हमारे डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट्स ये लोग काम करेंगे तो पहले जहां पे सिर्फ कोड का एस्पेक्ट था अब वो सिर्फ कोड का एस्पेक्ट नहीं रहा अब वहां पे डेटा भी एक एस्पेक्ट बन चुका है

इसमें कहीं पे भी गड़बड़ हो सकती है हो सकता है कि गड़बड़ आपके कोड में हो या फिर हो सकता है कि गड़बड़ आपके डेटा में हो जिस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया मे बी वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर हो सकता है गड़बड़ मॉडल बिल्डिंग में हो तो सडनली से इस सिस्टम का एरर डीबग कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि गड़बड़ हो कहाँ पे रही है ये समझना मुश्किल हो जाता है और फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है तो ये भी प्रॉब्लम है थर्ड कल को मान लो हम हमारे एडमिन ने सौ नई मूवीज ऐड कर दी तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इन सौ मूवीज के ऐड होने पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा नया डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड करना पड़ेगा फिर ये जो पूरा का पूरा साइकिल है जहां पे आप प्री प्रोसेस कर रहे हो फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो मॉडल इवेलुएट कर रहे हो बेसिकली यू विल योर मॉडल टू मेक श्योर की नई मूवीज भी इस रिकमेंडर सिस्टम का पार्ट बने तो सडनली से काम बहुत बढ़ गया नई मूवीज नई एंट्रीज को हैंडल करने में तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक नेक्स्ट ये जो मॉडल है ये एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है ये प्रोबेबलिस्टिक है प्रोबेबलिस्टिक मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जहां पे इनपुट जब एक सिस्टम में जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आउटपुट हमेशा सेम आएगा आउटपुट एक्चुअली चेंज हो सकता है जैसे आपने ये पचास मूवीज ऐड की और मॉडल को रिट्रेन किया तो कोई गारंटी नहीं है कि एक यूजर के लिए जो मूवीज मूवीज रिकमेंड रिकमेंड हो रही थी वही दोबारा सो so, पर क्या होता है कि एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम बन गया है और कल को अगर किसी यूजर ने आके मुझसे क्वेश्चन कर दिया कि भाई हमारा तो एक छोटा बच्चा है उसको आप ए रेटेड मूवीज क्यों रिकमेंड कर रहे हो तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा घुस करके समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन मेकिंग हमारे मॉडल ने किया क्यों तो मतलब गवर्नेंस का इशू हो सकता है इसके अलावा आप यूजर से बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका हर क्लिक कितना टाइम स्पेंड कर रहा है कितना स्क्रोल कर रहा है कितना शेयर कर रहा है किसके साथ शेयर कर रहा है ये सब कुछ अब आप ट्रैक कर रहे हो और उसके ऊपर अपने मॉडल को बिल्ड कर रहे हो सो so, कल को यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं एंड दैट इज बाय आप नोटिस करोगे कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत पीरियोटिकली ना आपको मेल करते रहती हैं दैट वी हैव अपडेटेड आर प्राइवेसी पॉलिसी क्योंकि उनको बहुत केयरफुल रहना होता है कि कल को कोई उनको सू न कर दे कि भाई आप हमारा ये डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल अबाउट दैट तो गवर्नेंस जो हो गया ना इस पूरे सिस्टम का वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा बन गया है स्पेशली uh, फॉर बड़ी कंपनीज बिकॉज उनके ऊपर अगर uh, चीजें आके गिरी ना तो वो लॉ सूट बहुत कॉस्टली होते हैं लास्टली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अराइज करता है ड्रिफ्ट का ये जो आपका रिकमेंडर सिस्टम है कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये आज सही से फंक्शन कर रहा है तो छः महीने बाद भी सही से फंक्शन करेगा बिकॉज आपके सिस्टम में ड्रिफ्ट आ सकता है कई तरह का ड्रिफ्ट होता है मॉडल ड्रिफ्ट होता है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट होता है डेटा ड्रिफ्ट होता है मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ सो so, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इस बात पे बेस्ड है कि कौन सा यूजर किस मूवी को लाइक like कर रहा है अभी इसमें ऐसा हो सकता है ना कि एक यूजर जो आई डोंट नो एक रिलेशनशिप में था और कॉन्स्टेंटली रोमांटिक मूवीज देखता था और लाइक like करता था उसका सडनली से ब्रेकअप हो गया अभी ब्रेकअप हो गया तो अब वो रोमांटिक मूवीज नहीं देख रहा वो सिर्फ वो मूवीज देख रहा है जहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन होता है और समथिंग लाइक दैट तो उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया उसका टेस्ट चेंज हो गया तो अब आप उस यूजर के बेसिस पे अगर रिकमेंडेशन करोगे तो रोमांटिक मूवीज के बदले शायद एक्शन मूवीज ज्यादा रिकमेंड हो सिमिलरली हो सकता है कि कोई मूवी हो जो आपके प्लेटफॉर्म पे मे भी उतनी पॉपुलर नहीं थी उतने लोग नहीं देखते थे उतने लोग रेट नहीं करते थे एंड सडनली से आई डोंट नो विराट कोहली या नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि भाई आप लोग ये मूवी देखिए बहुत अच्छी है खूब सारे लोग अब उस मूवी पे आ गए और उसकी रेटिंग बढ़ गई तो उसकी वजह से भी रिकमेंडेशन इधर उधर हो सकता है तो बेसिकली आपका ये जो सिस्टम है इसमें ड्रिफ्ट का बहुत चांस है ड्रिफ्ट का मतलब चीजें बदल सकती हैं राइट आप हो सकता है कि एक नए कंट्री में आपने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया लेट्स से आप इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे थे आपने साउथ कोरिया में लॉन्च कर दिया अभी साउथ कोरिया में जो डेमोग्राफिक है वो बहुत अलग है उनका प्रेफरेंस बहुत अलग है तो सडनली से वो लोग जब आएंगे और वो लोग मूवीज को लाइक like करने लगेंगे तो देर कुड बी अ ड्रिफ्ट इन दैट एज वेल तो जितनी बार भी ड्रिफ्ट्स ड्रिफ्ट आएंगे आपके सिस्टम में देर इज अ चांस कि आपका जो आउटपुट uh, है इस सिस्टम का वो नीचे आ जाए ठीक है तो ये आप हमेशा ट्रैक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्निकल मैट्रिक्स भी ट्रैक करोगे आप बिजनेस मैट्रिक्स भी ट्रैक करोगे और जितनी बार भी ये ड्रिफ्ट आएंगे और आपको लगेगा कि आपका जो सिस्टम है वो फेल कर रहा है आपको फिर से रिट्रेन करना पड़ेगा पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा विच इज अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू सो आई होप मैं आपको एक बड़ा पिक्चर दे पाया कि जैसे ही एक छोटे से प्यारे से सॉफ्टवेयर सिस्टम में मशीन लर्निंग घुसा एक मॉडल आपने उसमें ऐड किया तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कई नॉच बढ़ गई और जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है उस सिस्टम का जो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग साइड ऑफ सिस्टम का वो बहुत डिफिकल्ट हो गया एंड मजे की बात पता है क्या है ये तो सिर्फ एक मॉडल ऐड किया हमने व्हाट इफ हम एक से ज्यादा मॉडल्स को ऐड करें बिकॉज ऑनेस्टली कभी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि आप एक पूरी डेटा साइंस टीम हायर करते हो जस्ट टू बिल्ड वन मॉडल आप उनसे बहुत सारा और काम भी करवाते हो अब जैसे कि कि इसी में मान लेते हैं कि हमारे पास दो और मॉडल्स हैं जो हमारे इस रिकमेंडर सिस्टम वाले मॉडल पर डिपेंड करते हैं मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मॉडल टू है विच इज बेसिकली रिकमेंडेशन मॉडल सिंस हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को मूवीज दिखाता है और उसमें एड शो करके पैसा कमाता है तो वी नीड अ एड रिकमेंडेशन मॉडल ये एड रिकमेंडेशन मॉडल कैसे काम करता है कि वी वॉन्ट टू शो रेलिवेंट एड्स सो अगर कोई मूवी स्पोर्ट्स के ऊपर है तो हम स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे इस तरह का कुछ है तो ऑब्वियसली ये जो मॉडल टू है इसको अपना काम करने के लिए मॉडल वन का आउटपुट चाहिए पड़ेगा और इस मॉडल से जो आउटपुट निकल रहा है उसके बेसिस पे हम मॉडल टू को ट्रेन करेंगे और फिर वो मॉडल टू हमारे बैकेंड से इंटीग्रेट होगा और फिर रेलिवेंट एड्स हमारे फ्रंट एंड पे लोड होंगे सो अगेन यू कैन सी और एक एडिशनल मॉडल को ऐड करने से कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है फिर हो सकता है आपने एक और मॉडल ऐड किया मॉडल थ्री और ये एक तरीके का चर्न मॉडल है चर्न मॉडल है मतलब ये बस ये पता करेगा कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर रहेगा या छोड़ के चला जाएगा प्लेटफॉर्म तो इसको हो सकता है मॉडल वन से भी इनपुट चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहेंगे कि किसी यूजर को कौन कौन सी मूवीज रिकमेंड की गई और उसका रिएक्शन क्या था उन मूवीज के लिए सेकेंड हम ये भी देखना चाहेंगे कि हम किसी यूजर को क्या क्या एड्स दिखा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा एड्स की वजह से वो प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा है तो फिर इस डेटा के बेसिस पे मॉडल थ्री ट्रेन होगा और मॉडल थ्री पलट करके हमारे जो भी एडमिन उनको बताएगा कि कोई रहेगा इस सिस्टम में या छोड़ के चला जाएगा सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पे दो तीन पाँच दस मॉडल्स और ऐड कर दूँ और ये एक पूरा एक मॉडल्स का म्यूजियम बन जाए तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डेटा का फ्लो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड देन इसको मैनेज कर पाना फॉर अ स्केल ऑफ लेट्स से टेन करोड़ यूजर्स इज लाइक अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू तो यही प्रॉब्लम है एमएल सिस्टम्स की और यही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था कि जब मशीन लर्निंग आता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में तो जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो ओवरऑल इंजीनियरिंग चैलेंजेस होते हैं एक सिस्टम के वो बहुत बढ़ जाते हैं और फिर आप जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज कर लेते हो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता एक मशीन लर्निंग सिस्टम को मैनेज करना एंड दिस इज वेयर एम ऑप्स कम्स इन द पिक्चर हालांकि मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं बताया एम क्या होता है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू की जरूरत क्या थी तो जरूरत है ये चैलेंज ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन जिसकी वजह से एम एलॉब्स का रिक्वायरमेंट पड़ा अब गोइंग फॉरवर्ड आगे के वीडियोज में हम एम एल ऑब्स को बहुत डिटेल में uh, समझेंगे दर्ड्स वी विल कवर द हाउस वी विल कवर एंड ऑबियसली विल डू समल्स एज वेल सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया uh, थोड़ा परस्पेक्टिव मिला आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय